अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो आज मेरी रेसिपी में है दही भल्ले, और चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले इनको पानी में भिगो के रखा हुआ था, फिर उसके बाद मैंने इनको निचोड़ लिया है। ज़्यादा नहीं निचोड़ना इनको, तो हल्का सा निचोड़ना है। तो निचोड़ने से जो इसका ऑयल होता है ना एक्स्ट्रा, तो वो निकल जाता है। उससे हम हमारे जो जो कस्टरोल होता है ना, जिसमें ये इसको हम फ्राई करते हैं, वो उससे हम बच जाते हैं। पानी में वो निकल जाता है एक्स्ट्रा जो होता है। वो मैंने ये कर लिया है, निचोड़ लिया इनको। और अब हम पहले सबसे अपनी डिश में थोड़ा सा पहले हम डालेंगे अपना, ये मैंने फेंट लिया इसको अच्छी तरह से, दही को पहले इसको हम डालेंगे नीचे, उसके ऊपर हम अपने भल्ले रखेंगे, बस इस तरह नीचे। अब इसके बाद हम अपने भल्ले रखेंगे। अब ये देखें, इसको बनाना नहायत ही आसान है और बिल्कुल जल्दी फटाफट बन जाता है ये। अब इसके ऊपर हम दही डालेंगे। और फिर हमने इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। ये ठंडे होंगे तो फिर ही इनका मज़ा आएगा। अब ये हमने इमली की खट्टी मीठी चटनी ली है, अब हम ये इसके ऊपर ऐसे डालेंगे। आप की मर्ज़ी है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, क्या आपको ज़्यादा पसंद है या कम पसंद है, वो अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हैं। उसके बाद ये वो पुदीना और वो जो धनिया है उसकी बनाई हुई है ये हरी चटनी, उसके बाद हम ये डालेंगे। और ये हमने भल्ले का मसाला लिया है, दही भल्ले का, ये देखें दही भल्ला मसाला लिया है हमने। ये अब हम इसके ऊपर छिड़क लेते हैं। और कई लोग दही भल्ले कहते हैं, कई दही भल्ले कहते हैं। तो चले मेरी वीडियो रेडी है, और अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।